ये बैठक कहाँ पर हो रही है? एनडीएमसी कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ एक दफ़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, वहीं पर होने वाली है। ये यहाँ पर तो चीफ मिनिस्टर के साथ हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं श्री सुशील कुमार मोदी, उसके अलावा पंजाब में हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको, और जहां तीन राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारे पार्टी के नेता वहां पर विपक्ष के नेता हैं, महाराष्ट्र के काउंसिल में और असेंबली में और दिल्ली और उत्तराखंड में, राजस्थान, तो इन सबको भी इस बैठक में बुलाया गया है। और पार्टी की तरफ से अध्यक्ष जी अपना इसका उद्घाटन करेंगे, आडवाणी जी इसका समारोप करेंगे और इसमें दोनों जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं दोनों सदनों में पार्लियामेंट के, वो उपस्थित रहेंगे और विभिन्न विषयों पर जो चर्चा होगी उसकी शुरुआत करेंगे। और जितने कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं पार्टी के, जितने महामंत्री हैं, जितने स्पोक्स पर्सन्स हैं, उन सब लोगों को इसमें बुलाया गया है। उद्देश्य क्या है ये चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग का, आप जानते हैं कि हम लोग पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार एक मन में विचार आया कि देश चूंकि एक बहुत गंभीर आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसमें कि एक तरफ कीमतों में भारी वृद्धि है और लगातार तीन साल से खास करके जो फूड इन्फ्लेशन है वो है, उसके अलावा रुपए की कीमत में जो गिरावट हो रही है जिसके चलते अपनी तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है और जो ग्रोथ हुआ भी पिछले 8 वर्षों में वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ, और एनएसएसओ के जो फिगर्स आए हैं उससे स्पष्ट हो गया कि जितने बड़े पैमाने पर इसमें एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होना चाहिए था उतने बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हुआ, तो जाहिर है कि इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ी हैं समाज में। उसके अलावा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है दैट इज़ एट द लोएस्ट एब, रेटिंग एजेंसीज आर कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग टू डाउनग्रेड इंडियाज रेटिंग, देर इज़ कम्प्लीट पॉलिसी पैरालिसिस, और जो हम रिटन स्टेटमेंट आपको देंगे उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म ऑन द वन हैंड एंड रिटर्न ऑफ द लाइसेंस एंड कोटा राज ऑन द अदर कम्प्लीट्स द पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक मेस। द गवर्नमेंट इज इन अ डिनायल मोड एंड इज ब्लेमिंग एवरीबॉडी एल्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो हम लोगों ने ये सोचा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें फेडरलिज्म के ऊपर जो आघात हो रहे हैं उससे आप सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि समय समय पर हम लोग इसकी ओर आपका ध्यान खींचते रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो फेडरलिज्म के ऊपर आघात हो रहा है, हमारे राज्य जो हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनके जो फंड्स उनको जो मिलने चाहिए वो समय पर नहीं मिलते हैं या कभी भी नहीं मिलते हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, लेजिस्लेशंस को स्वेच्छा से यहाँ रोक के रखा जाता है और उनके प्रोजेक्ट्स को भी पेंडिंग रखा जाता है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम एक बैठक बुलाएं जिसका उद्देश्य नेगेटिविज्म नहीं होगा, कोई नकारात्मक इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हम ये देखें
कि केंद्र सरकार की तुलना में हमारे राज्य इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। एक तो पहले क्या असर पड़ा इसका उन राज्यों पर, जैसे मैंने कहा कि अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट डाउन है, टैक्सेस कम कलेक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके फिस्कल सिचुएशन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो नया नया इन्वेस्टमेंट होना था उसका क्या असर पड़ा है उनके राज्य के ऊपर, जो अभी उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें जो स्लो डाउन हुआ है उसका क्या असर पड़ा है, और ख़ास करके जो अभी ड्राउट लाइक सिचुएशन पैदा हुआ है उसमें उन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका। तो इन सब परिस्थितियों पर विचार करने के लिए और ये समझने के लिए कि हमारी राज्य सरकारों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इस परिस्थिति से निपटने के लिए, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की मुश्किल परिस्थिति में भी टू द नेशनल ग्रोथ, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे ग्रोथ रेट स्लो होने के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स हैं NDA BJP रूल्ड स्टेट्स जिसका ग्रोथ रेट अभी भी अच्छा है, तो हम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ये जो एक परिस्थिति पैदा हुई है इकोनॉमिक स्लोडाउन से और ड्राउट लाइक कंडीशन से, उससे निपटने के लिए हमारी सरकारों ने क्या क्या उपाय किए हैं और क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो हम तीन भाग में इसको बांट के देखेंगे। नंबर एक कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर क्या पड़ा, ड्राउट का असर क्या पड़ा, कैसे उससे निपट रहे हैं और आगे क्या करने की आवश्यकता है, ये एक हुआ। दूसरा जो है वो ये है कि हमारी राज्य सरकारें, आप सब जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कुछ कुछ क्षेत्रों में, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस गवर्नेंस की क्या क्या उन्होंने डेवलप की हैं और कैसे उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम और राज्यों को कह सकते हैं कि वो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। जैसे कि एक मध्य प्रदेश की योजना है लक्ष्मी लाडली योजना, तो झारखंड सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया और आगे शुरू किया। उसी तरह जैसे छत्तीसगढ़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश में उसकी तारीफ होती है, तो उसमें क्या क्या गुण हैं और कैसे हम उसको और दूसरे राज्यों में ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में गुजरात ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करके दिखाया है, और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आएंगी। तो एक्सचेंज ऑफ बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष जो है वह है कि फेडरलिज्म का जो प्रश्न है, उस फेडरलिज्म के प्रश्न पर जो भारत सरकार का रवैया है, उस रवैये से, उस एटीट्यूड से क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। एंड दिस विल बी इन द इकोनॉमिक फील्ड, दिस विल बी इन अदर फील्ड्स ऑफ गवर्नेंस, जैसे आपको याद होगा कि NCTC का मुद्दा आया था। तो ये तीसरा पक्ष इसका होगा कि फेडरलिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें और क्या हम लोगों को सुधार लाने की आवश्यकता है। ये दिन भर की मीटिंग होगी जिसका मैंने कहा कि उद्घाटन श्री नितिन गडकरी जी करेंगे और समारोह अडवाणी जी करेंगे, और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन, डेवलपमेंटल इश्यूज, बेस्ट प्रैक्टिसेस के का जो सवाल है, इस विषय पर एक जो चर्चा होगी उसकी शुरुआत श्रीमती सुषमा स्वराज करेंगी, और फेडरलिज्म के ऊपर जब चर्चा होगी तो उसकी शुरुआत श्री अरुण जेटली करेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। और इसका फॉर्मेट ये होगा कि
हम लोग शुरू में उद्घाटन भाषण के बाद स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्रतिनिधि हैं वो एक प्रेजेंटेशन अपनी ओर से करेंगे और उस प्रेजेंटेशन को हम लोग इन तीनों मुद्दों पर सुनेंगे और लगभग दो ढाई तीन घंटे का समय इसमें व्यतीत होगा उनकी बात सुनने में, और फिर आफ्टरनून का जो सेशन होगा वह चर्चा का सेशन होगा जिसमें कि इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, और लगभग आडवाणी जी के समारोप के बाद 4:30-5 बजे के आसपास इसको समाप्त करेंगे। आपको मीडिया सेल से सूचना मिल जाएगी कि वहाँ पर मीडिया के लिए क्या इंतज़ाम है, और हम लोगों ने तो ये सोचा था कि जो इनॉगरल भाषण है इत्यादि वो सब खुले रहे मीडिया के सामने, लेकिन वहाँ पर शायद स्पेस को देखना पड़ेगा कि टीवी चैनल्स और बाकी लोग उसमें आ सकते हैं, कितना एकोमोडेशन होगा, तो श्रीकांत जी उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसमें जो एक अध्यक्ष जी ने पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक्शन ग्रुप बनाई थी जिसका मैं कन्वीनर हूँ, तो इसी को एक तरह से मोटा मोटी जिम्मेदारी दी गई कि आप इस मीटिंग को आयोजित करें। आप जानते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी हमारा जो पार्टी का इकोनॉमिक फोरम है उसके भी कन्वीनर हैं, तो प्रकाश जी, निर्मला जी, नलिन कोहली जी और उसके अलावा विनय सहस्रबुद्धे जी, सुमन सिन्हा जी, ये सब लोग इसमें लगे, और इन्होंने कुछ कुछ इंटरैक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शुरू कर दिया। मीटिंग के बाद हम लोग एक स्टेटमेंट इशू करेंगे ऑन ऑल दीज इश्यूज। आई विल परहैप्स कम बैक हियर टू दिस रूम अबाउट वॉट अब 5:36 वील इंटीमेट द टाइम एंड वी आई कम हियर विथ माई कॉलीग्स, और मीटिंग की का जो आउटकम होगा, जो नतीजा आएगा, उसके ऊपर हम आपको अलॉन्ग विथ ए स्टेटमेंट हम आपको ब्रीफ करेंगे परसों शाम को। तो ये मुख्य रूप से बताने के लिए एज ए कर्टन रेजर हमने सोचा कि आज आपको यहाँ आने की तकलीफ दें, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग पार्लियामेंट में इसको करते, लेकिन आज पार्लियामेंट अडजर्न भी हो गया और चूंकि पार्टी से रिलेटेड मुद्दा था तो हमने सोचा कि आपको यहाँ तकलीफ देंगे।